नमस्ते, मैं हूं सर्वेश एस कुट्टी, आपका ट्रेडिंग मेंटर, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे पास है पिछले 15 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज है संडे 28 जुलाई, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप के अनुसार ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हमारे आज के वॉच लिस्ट में आए हैं जो अगले कुछ दिनों के अंदर एक बुलिश मोमेंटम देने की हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर कि जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस करता हूँ वो किसी भी प्रकार से एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, और ये प्योरली जनरल एजुकेशन एंड एक जनरल डिस्कशन के लिए है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्विकली आपको निफ्टी का जो फ्राइडे का मोमेंट था उसका एनालिसिस बताता हूँ, और एनालिसिस बड़ा सिंपल है। आप देख सकते हैं कि जब से निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ तब से ओपनिंग से कंसिस्टेंटली एक बुलिश मोमेंटम निफ्टी ने दिया हुआ है, एंड 1.76% का पॉजिटिव मोमेंट निफ्टी ने दिया हुआ है। अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन से रिलेटेड और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मिस्टर समीर पांडे के कल के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 5th नंबर का जो स्टॉक है जो हमारे वॉचलिस्ट में आया हुआ है वो कौन सा है। तो दोस्तों, 5th नंबर पे जो स्टॉक हमारे वॉचलिस्ट में आया है आज के दिन में वो है आइडिया। 5.27% का मूवमेंट आइडिया ने दिया है, तो यहाँ पे मैं आइडिया का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये है दोस्तों आइडिया का चार्ट, और आप क्लियरली देख सकते हो कि एक सेकेंड में यहाँ पर लाइट वर्जन कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आइडिया का चार्ट है वो कंसिस्टेंटली एक नेगेटिव जोन में चल रहा था, एक करेक्शन चल रहा था, 24 EMA के नीचे गया, और हमें फ्राइडे को क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पुल बैक आने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर 24 EMA के ऊपर आइडिया का स्टॉक क्रॉस कर जाता है और RSI 50 के ऊपर जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आइडिया के स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम देखने की हाई प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं आपके अगले कुछ दिनों के एनालिसिस के लिए। चलिए दोस्तों, 4th नंबर पर कौन सा स्टॉक है जो हमारे लिस्ट में आया है उसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो 4th नंबर पर दोस्तों जो स्टॉक आया है वो है एम्फेसिस लिमिटेड, जो 6.51% से मूवमेंट दिया है, तो उसका हम लोग यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेंगे। तो ये रहा दोस्तों एम्फेसिस इस कंपनी का चार्ट, और जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली स्टॉक 24 EMA के ऊपर चल रहा था, RSI भी 50 के ऊपर है, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक का वो भी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे फ्राइडे को एक फिर से हम कह सकते हैं कि बुल्स ने एक अपर साइड पे थ्रस्ट दिया है, एक अपर साइड पे पुश दिया है स्टॉक में, जो ये इंडिकेट कहीं ना कहीं करता है कि स्टॉक में अभी भी बुलिश मोमेंटम बचा हुआ है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर हम ये देख सकते हैं या देखने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक बुलिश मोमेंटम जो कंटिन्यू हो रहा है स्टॉक में वो हम इस स्टॉक में अगले कुछ दिनों में देखने की हाई प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं। इस स्टॉक भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं अगले कुछ दिनों के एनालिसिस के लिए। चलिए दोस्तों, 3rd नंबर पे कौन सा स्टॉक है वो देखते हैं। तो 3rd नंबर पे जो हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक आया है वो है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जो 7.57% से भागा हुआ है। तो सोलार इंडस्ट्रीज का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक, और यहाँ पे आप कैसे पैटर्न हम लोग देख सकते हैं कि एक करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद में बुल्स ने फिर से 24 EMA के ऊपर इस स्टॉक को खींचने की कोशिश की है फ्राइडे को। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखा, इनफैक्ट RSI भी जस्ट 50 के ऊपर है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुल्स इस स्टॉक को फिर से 24 EMA के ऊपर खींच के एक बुलिश मोमेंटम देने की काफ़ी कोशिश इस स्टॉक में कर रहे हैं, जिसको हम लोग बुलिश कंटिन्यूएशन बोलते हैं। तो ये स्टॉक का भी जो सेटअप फिलहाल बना हुआ है, तो इस स्टॉक में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं।
चलिए दोस्तों सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टॉक है वो देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर पे जो स्टॉक है हमारे वॉचलिस्ट में वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जो 9.98% से भागा हुआ है। तो यहाँ पे मैं श्रीराम का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन फेज़ आया था, इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग फेज़ आया पिछले 15-20 दिनों के अंदर। 24 EMA के नीचे भी गया स्टॉक, लेकिन फिर से एक भारी वॉल्यूम के साथ बुल्स ने अपने कंट्रोल को रीगेन किया है इस स्टॉक में। आप देख सकते हो वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रांग है, मोमेंटम एक फास्ट मोमेंटम दिया है, स्ट्रांग मोमेंटम दिया है और फिर से 24 EMA के ऊपर इस स्टॉक को खींचा हुआ है। उसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि जो RSI है स्टॉक का वो 39 पे चल रहा है, लेकिन अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपसाइड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक बुलिश इंडिकेशन देखने मिल रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव की तरफ अपना एक मोमेंटम स्टार्ट कर रहा है। तो इस स्टॉक में भी एक जो सेटअप हम लोग बोल सकते हैं कि अगर RSI 50 के ऊपर चला गया अगले कुछ दिनों के अंदर और स्टॉक का जो प्राइस है वो 24 EMA के ऊपर चलता रहा तो एक बुलिश सेटअप इस स्टॉक पे हमें देखने को मिल सकता है। तो अगले कुछ दिनों में इस स्टॉक में भी यानी श्रीराम फाइनेंस स्टॉक में भी एक बुलिश मोमेंटम आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के लिए। अब दोस्तों देखते हैं नंबर वन पे कौन सा स्टॉक आया है जो हमारे वॉच लिस्ट में बुलिश स्टॉक के लिस्ट में आया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक आया है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 10.31% से मूवमेंट दिया है। तो इसका हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस यह रहा दोस्तों इस स्टॉक का चार्ट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कई दिनों का कंसोलिडेशन था, फिर 4-5 दिन से एक करेक्शन आया है स्टॉक में और फिर से जो है बुल्स ने अपना एक हाई वॉल्यूम के साथ इसके अंदर कंट्रोल अपना रीगेन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस स्टॉक में भी यानी जनरल इंश्योरेंस के स्टॉक के अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन का ट्रेंड अगले कुछ दिनों में हमें देखने मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं अगले कुछ दिनों के हमारे ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 5 लिस्ट। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जेन्युइनली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में और ट्रेडिंग को एज अ सक्सेसफुल बिजनेस या सक्सेसफुल करियर करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से सीखना पड़ेगा जो लोग एक्चुअल में मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं। दोस्तों मार्केट मास्टर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे जो भी मेंटर्स हैं उनको 15 साल से ज़्यादा का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। उसी के साथ साथ हमारे जो मेंटर्स हैं वो लोग सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, यानी कि हमारे जितने भी मेंटर्स हैं वो सब के सब मार्केट एक्सपर्ट हैं। और हम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको 1 महीने का लाइव कोर्स देते हैं जिसके अंदर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उसके साथ साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग, इस तरीके की जो भी स्ट्रेटजीज़ वो खुद अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सारे स्ट्रेटजीज़ अब आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइव मार्केट में सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जेन्युइनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपके करियर में, ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम की और डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली बेसिस पे आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस और न्यूज़ लेके आते हैं और जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो जब हम वीडियो अपडेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है और स्टॉक मूवमेंट्स है वो सारे आप अपडेटेड रहें डेली बेसिस पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग, गुड बाय।